यूं ठीक नहीं बहना, गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। गर तू है मुसलमान फिर कुफार से चाहत क्यों, गर तू है मुसलमान फिर कुफार से चाहत क्यों, तुझको ए मेरी बहना परदे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों परदे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना परदे से शिकायत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद, मेरी ये गुज़ारिश तमाम मुसलमानान हिंद से है और मैं गुज़ारिश करूँगा कि इस ऑडियो को मुकम्मल सुनने के बाद तमाम सोशल मीडिया पे आप इसे आम करें। जितने मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं इसे अपने अपने चैनल पर मेरी इजाज़त है कि अपलोड करें और इसे ख़ास तौर से माओं को, बहनों को, बेटियों को ज़रूर सुनाएं। हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर हैं और शायद इससे भी भयानक अंजाम हमें देखना पड़े अगर हम अज़्म मुसम्मम न करें कि हम अपने दीन पर सख्ती से कायम रहेंगे, इस्लाम से चिमटे रहेंगे और हालात कैसे भी बुरे हों अपने दीन को हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसे में हमें चाहिए कि अंबिया अलैहिस्सलाम की क़ुरबानियों को, हज़रात साहबा की तकालीफ और मसाइब को याद करें और ये सोचें कि उनके मुकाबले में हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। वो ऐसे बुरे हालात में भी दीन पर सख्ती से कायम थे तो उनकी सुन्नत पे चलते हुए हमें भी सख्ती से दीन पर कायम रहना है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे जाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ट्विटर वगैरह पर या न्यूज़पेपर देखें, पढ़ें या कोई चैनल देखें तो आपको ये बात बारहा सुनने को, देखने को मिलेंगी कि फला मुस्लिम इलाके से फला मुस्लिम बच्ची ने किसी हिंदू लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और इस्लाम को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। फिर उसके बाद उसके बयान भी सामने आता है कि इस्लाम में ये सख्तियाँ थी, ये पाबंदियाँ थी, अब मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही हूँ वगैरह वगैरह। आप जानते हैं ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं है, अगर एक दो जगह पेश आ जाता तो शायद इस पे बोलने की ज़रूरत भी पेश ना आती। ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। इसमें कुछ पाखंडियों का हाथ है, कुछ नेताओं का हाथ है, बाकायदा एक तागूती शैतानी ताकत है जो इस काम पर लगी हुई है और हुकूमत वक्त का इसको फुल सपोर्ट है। यकीनन उनके मुकाबले में हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने अहले खाना की निगरानी करें, अपनी बच्चियों पे निगाह रखें। अफसोस की बात है कि बच्चियां जब बोलने के लायक होती है तो उन्हें कलाम इलाही पढ़ाने के बजाय, उन्हें दीन के बुनियादी अकायद सिखाने के बजाय सबसे अच्छी इंग्लिश स्कूल का इंतखाब करके उन्हें स्कूल में डाला जाता है। फिर बच्चियां कुछ पढ़ लिख के काबिल बनती हैं तो उन्हें महंगे महंगे सेलफोन दिलाए जाते हैं। ये नहीं सोचा जाता कि मेरी बच्ची की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई बिजनेस नहीं है, आखिर इतना महंगा फ़ोन इसे दिलाया क्यों जाए। चलिए दिला दिया तो उसके बाद बच्ची के फ़ोन पर होने वाली अपडेट से बाप भी बेखबर है, माँ भी बेखबर है, बहन भी बेखबर है, भाई भी बेखबर है। रात रात जागकर बच्ची किससे चैट कर रही है, क्या बात कर रही है। फिर दूसरे नंबर पे बच्चियों को जहाँ को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ती हैं, वहाँ दाखिल कराया जाता है। फिर उसकी दोस्ती पर निगाह नहीं रखी जाती है कि बच्ची का याराना दोस्ताना किसके साथ है। कॉलेज छूटने के बाद, स्कूल छूटने के बाद बच्ची लेट क्यों आती है, वो कहाँ घूमती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, किन लोगों के टच में है, उसके जहन में किस तरह उसका माइंड सेट किया जा रहा है कि अगर तुम मुसलमान से शादी करोगी तो तुम्हें पर्दे की पाबंदी करनी है, बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, तीन तलाक का दुख झेलना है और हलाला जैसी रस्म से तुम्हें गुजरना है और हमारे धर्म में आने के बाद 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ रहेगा वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें करके बच्चियों को जो है फंसाया जा रहा है। पहले ये सुना जाता था कि फला मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की तो उसे मीडिया खूब उछालता था कि ये लव जिहाद है,
हालांकि मैंने इसके पहले भी अपने बयानात में कई बार कहा कि इस्लाम में लौ जिहाद नाम का कोई जिहाद है ही नहीं। किसी भी मुसलमान लड़की की शादी किसी गैर मुस्लिम से हो ही नहीं सकती, और कोई ऐसा करता है तो उसे कानून के तहत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फिर कभी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अजीब अजीब हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब ये हो रहा है कि ये सिलसिला तो तकरीबन ख़त्म हो गया, रुक गया, और ये होना भी नहीं चाहिए था। हम इसकी कभी हिमायत नहीं करते, लेकिन अब बाकायदा हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को आप रोज़ाना इस तरह की वीडियो देखेंगे, कहीं गार्डन में लेके बैठ रहे हैं, कहीं होटल्स में लेके जा रहे हैं, कहीं मंदिर में आरती पूजा करवाई जा रही है, बाकायदा उनसे शादी हो रही है, कोर्ट मैरिज हो रही है, उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होती ही नहीं है। मैं इसका सबसे बड़ा ज़िम्मेदार ख़ुद उनके अहले खाना को समझता हूँ। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि बरोज़ क़यामत अल्लाह के सामने एक औरत चार लोगों के जहन्नम में जाने का सबब बनेगी। अपने बाप के जहन्नम में जाने का सबब, भाई के, शोहर के और बेटे के। वो अल्लाह से अर्ज़ करेंगी, मौला ताला ये लोग दीनी महाफिल में जाते, उलमा के पास बैठते, बयानात में शरीक होते, लेकिन घर में आकर दीन नहीं सिखाते थे, इसलिए हम दीन से गाफिल हैं। तो उसकी इस गुजारिश पर, उसके इस अर्ज़ पर अल्लाह ताला उन चार लोगों का ठिकाना जहन्नम फरमाएगा। आपने औलाद की तरबियत के लिए हर तरह की तकालीफ बर्दाश्त की, उनके नाज नखरे पूरे करने के लिए, उनकी हर विश हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आपने हराम व हलाल की तमीज़ किए बग़ैर रुपया कमाया, लेकिन आखिर में क्या हुआ, बच्ची भाग गई। अब भागने के बाद जो उसके साथ सलूक होगा, हो सकता है कि उसकी इज्जत तो यकीनन लूटनी है, कहीं उसकी फिल्म बन जाए, कहीं वो आम हो जाए, वो मुस्लिम मुआशरे में मुंह दिखाने के ना लायक ना रहे। ऐ मेरी कौम की बच्चियों, ज़रा सोचो कि जब तुम भाग कर जा रही हो, तुम्हारे अहले खाना पर कैसा गम का पहाड़ टूटा होगा, अहले मोहल्ला, अहले ख़ानदान उन्हें क्या क्या ताने मारते होंगे। खुदा न खास्ता तुम्हारी फिल्म बन गई और वो आम हो गई, क्या तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक रहोगी? एक तो तुम्हारी इज्जत चली गई, दूसरा तुम्हारे हाथ से ईमान चला गया, और हमेशा हमेशा तुम्हारा ठिकाना जहन्नम हो गया। तुम्हें किसने कहा कि इस्लाम में औरतों का कोई मकाम नहीं है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि बहन के साथ हुस्न सलूक, अच्छा बर्ताव उसके दोजख में जाने से उसे रोक देगा, बेटी की अच्छी परवरिश जहन्नम से आड़ बन जाएगी। माँ भी तुम ही हो, बेटी भी तुम ही हो, बहन भी तुम ही हो, और बीवी के साथ हुस्न अखलाक से पेश आने के ताल्लुक से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं औरतों के चेहरों पर ना मारा जाए, चूँकि अल्लाह ने उसे खूबसूरत बनाया है। और आपने अपनी बीवियों से मोहब्बत करने वालों के ताल्लुक से कि जब दोनों एक बर्तन में खाना खाते हैं तो मलाइका उन पर रश्क करते हैं, बेशुमार फजीलतें आई हैं। ये सारी चीज़ें आपके निगाह के सामने नहीं हैं, आपको पर्दा बेकार सा मालूम होता है, आप आज़ादी चाहती हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने यह पर्दा नबी अलैहिस्सलाम की बीवियों तक के लिए रखा है। चुनांचे आप सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 देखेंगी तो कुरान में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युज़ैन वकान अल्लाहु गफूर रहीमा। ए नबी, अपनी बेटियों, अपनी साहबजादियों और मुसलमानों की औरतों से फरमा दीजिए कि अपनी चादर का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें, यह उससे बेहतर है कि उनकी पहचान हो और वो सताई न जाएं, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी पर्दा इसलिए है कि तुम्हें सताया ना जाए, तुम्हारा मजाक ना उड़ाया जाए। और आज यही हो रहा है कि जब तुमने पर्दे को तर्क कर दिया तो तुम्हारा मजाक भी बना, तुम सताई भी गई, तुम्हारे हाथ से दीनो ईमान भी निकल गया। मैं गुजारिश करूंगा मुसलमानों से, लिल्लाह ध्यान दीजिए अपनी बच्चियों के ऊपर, उन्हें दुनिया की तालीम बहुत ज़्यादा पढ़ाना ये ज़रूरी नहीं है। आपकी बच्ची दीनदार हो, बाअखलाक हो, सोमो सलात की पाबंद हो, उमूर खाना में माहिर हो, ये काफ़ी है, और दुनिया की तालीम इतनी सीख ले कि जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए, इतना काफ़ी है। और वो सिखाते वक्त भी आप उसकी पूरी निगरानी करें। ये बहुत पुरफितन दौर है और इसमें ऐसे सब्ज़ बाग दिखाकर बच्चियों को अपने जाल में फांसा जा रहा है
और ये नादान बच्चियां समझ रही है कि मैं तो आज़ादी पा रही हूँ, जिस आज़ादी के चक्कर में तू इस्लाम जैसे सच्चे मज़हब को छोड़ रही है और जिसके साथ भाग रही है, उसकी जवानी भी फ़ानी है, उसका हुस्न भी ख़त्म होने वाला है, उसका मालो दौलत भी मिटने वाला है, और फिर बाद में ज़िल्लत और रिसवाई के सिवा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला है। खुदारा अपने पाक दीन को मत छोड़ो और इस तरह माँ बाप की रसवाई का सबब न बनो, मुस्लिम माशरे की रसवाई का सबब न बनो। मैं तमाम उलमाए कराम से, तमाम कायदीन से, तमाम अहले खानका से, तमाम खुतबा हजरात से गुजारिश करूँगा कि इसे मौजूए तकरीर बनाया जाए और इस पर मुसलमानों में बेदारी पैदा की जाए कि मुसलमान अपनी बच्चियों की तरबियत दीनी माहौल के अंदर करें। मुझे इस मौके पे एक वाकया याद आया कि एक जंग के मौके पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के साथ तशरीफ फरमा है। एक सहाबिया हुजूर की बारगाह में अपने बेटे की खबर लेने आती है। उन्हें मालूम हुआ कि मेरा बेटा शहीद हुआ है तो वो चेहरे को ढक कर आती हैं और अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे की क्या खबर है? तो एक सहाबी ने कहा, तुम्हें इस हाल में भी पर्दा सूझ रहा है, यानी ये तो ऐसे गम का मामला है कि तुम पर तो गमों का पहाड़ टूटा है, इसमें तो होश नहीं रहता है, बाल बिखरे हुए होते हैं, दुपट्टा कहाँ के कहाँ होता है, पैरों में चप्पल का होश नहीं रहता है, और यहाँ भी तुम पूरे एहतमाम के साथ, पूरे पर्दे के साथ आई है। तो वो सहाबिया कहती है, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने हया को नहीं खोया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवी एक नाबीना सहाबी के आने पर फरमाते हैं कि पर्दा करो। जब उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह वो तो अंधे हैं, हुजूर ने फरमाया, तुम तो उन्हें देख सकती हो। तो मुसलमान बच्चियों के लिए, मुसलमान औरतों के लिए जो पर्दे का हुक्म था वो उनकी इज्जत के लिए, और ये मत समझो कि पर्दे में जो चीज़ है उसकी कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह का मुकद्दस घर खाने काबा वो पर्दे में है, हर मुसलमान के दिल में है। अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान करीम वो पर्दे में है, गिलाफ में है, उसे सरों पे उठाया जाता है, चूमा जाता है, एहतराम किया जाता है। जो चीज़ खुली हुई होती है, खाने पीने की खुली हुई चीज़ों को आप देखें, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती है। तो तुम बेपर्दा जब कॉलेज में, स्कूल में जाओगी, माँ बाप की इजाज़त के बगैर यहाँ वहाँ जाओगी, तो ये जितनी मक्खियाँ हैं तुम्हारे इर्द गिर्द भिनभिनाएंगी और तुम्हें उचक ले जाएंगी, तुम्हारी इज्जत भी जाएंगी, तुम्हारा नाम भी ख़राब होगा, तुम्हारा दीन भी चला जाएगा। खुदारा होश में आओ। मैं अर्ज़ करूँगा कि तमाम हमारे जो जिम्मेदारान हैं कौम के, वो आगे आएँ और इस मसाले पर कॉन्फ्रेंस करें, जलसे करें, किताबें लिखें और जगह जगह मुसलमानों को बेदार किया जाए कि वो अपनी बच्चियों की तरबियत सही करें। ये चंद मुख्तसर सी बातें थी। खुदा, वाकई दिल दुखता है जब इस तरह की चीज़ें सामने आती है, वीडियोस वगैरह व्हाट्सएप पे लोग भेजते हैं कि फला मुस्लिम बच्ची गार्डन में एक गैर मुस्लिम के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी और उन्हें पकड़ा गया, और फिर वो बिल्कुल जरी होकर शेरनी बनकर जवाब देती है कि क्या रखा है इस्लाम में सिवाय ज़िल्लत के, रसवाई के, और बच्चे पैदा करने के, और इसके उसके। तो ये जो ज़बान इनको फूटी है उसकी वजह यह है कि ये वाकई दीन से नावाकिफ़ हैं, वरना इस्लाम में औरतों का इतना मकाम रखा गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदए कायनात हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। हुजूर आपको देखने के लिए आपके घर तशरीफ़ ले जाया करते थे। इस्लाम में बीवी से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, बहन से मोहब्बत है, बेटी से मोहब्बत है, उनको पूरे इज्जत व वक़ार के साथ रखने का हुक्म है। और इंशाअल्लाहु रहमान इस मसाले को की हसासियत को देखते हुए हम जो मुंबई की सरजमीन पे अलजामियतुल हनफिया हदीकतुन नौमान इदारा कायम करेंगे, उसमें ख़ास बच्चियों की दीनी तालीम के लिए भी एक शोबा होगा जिसमें इंशाअल्लाह बच्चियों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाएगा। रमज़ान करीम का मुकद्दस महीना है। मैं अहबाब से गुजारिश करूँगा कि तंजीम का ज़्यादा से ज़्यादा माली तआवुन करें अपनी ज़कात सदक़ात फितरे फ़िदिया वग़ैरह से, ताकि जल्द से जल्द हमारा ये जामिया कायम हो जहाँ मुसलमानों के बच्चों को, बच्चियों को दीनी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता किया जाए। तफसील के लिए आप मेरे नंबर पर रब्ता करें 9820672770। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़ बयां गरचे बहुत शौक़ नहीं, वमा अलैना इल्लल बलाग़।